हेलो गाइस, हमारे रसोई में रहुआ सनी के स्वागत पर। चलिए आज ऐसा रेसिपी बताओ तनी कि गांव के हर एक घर में एक दो बार जरूर बन जाला मंथ में। तो चलिए हम ले बनी प्योर मसूर के दाल। रोवा चाहिए तो मिक्स दाल भी ले सका तनी। अब एकरा से हम बनाए दलपिट्ठी। दलपिट्ठी कहीं या तो दाल के दुल्हिन कहीं, तो हमने के दोनों कह लीजिए, दलपिट्ठियों और दाल में के दुल्हनियाँ। तो चलिए हमी के मसूर के दाल ले बन जा। अब एकरा के अच्छा से धो ले तनी। चलिए तो दाल हम अच्छा से धो ले बन। दाल के एकदम अच्छा से धो लिया ला, कहे कि मार्केट की अगर दाल रहे तो इसमें पाउडर लगा के एकरा के दाल बनावल जाए। तो अच्छा से एकरा के रगड़ के धो लेनी। अब एकरा के एक पतीला ले हम। अब पतीला में अब रो चाहिए तो प्रेशर कुकर में भी आराम से बना सकता नहीं, लेकिन हम ज़्यादातर पतीला में ही बनाईला और दाल बहुत आराम से गल जाला। तो पतीला में हम ले लेने में जितना दाल बा उतना पकाए खाते हम पानी डालम। पानी जितना दाल पकी उतना भर पानी डाल देवे के बाद। चलिए तब एकरा में मसाला कुछ डाल दिया। पहले हम डाल दें हल्दी पाउडर, फिर हल्का सा लाल मिर्च पाउडर डाली तो सही बा, ना डाली तो तड़का में डाल सकता नहीं हुआ। ओकरा बाद जीरा पाउडर और थोड़ा सा गोलकी पाउडर हल्का सा डाल दें हम। अब एकरा में लहसुन पेस्ट, रुआ चाहिए तो जीरा गोलकी रुआ एक साथ पीस के भी डाली ला। लहसुन पेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा डाल दिया है। चलिए तो स्वाद अनुसार में नमक डाल दें हम, जितना दाल का उतना नमक। और जब दाल में पानी डलाई ना उस समय भी नमक रुआ ज़्यादा थोड़ा डाल देवे के होके। आइए में डाल दें थोड़ा सा तेल, हल्का सा तेल डाल दी। बहुत अच्छा से डेक्ची में, डेक्ची के दाल तो बहुत अच्छा लगबे करेला। पहले के लोग डेक्ची में दाल खा रहा, आज प्रेशर कुकर हो गई रख के चला दी। अब दाल के पूरा ढकन ना हाफ ढके के बाद, कहे कि बॉयल होगी ना तो दाल पूरा फेंक दिए, ये चलते हाफ ढक्कन लगाई। अब एकरा के बैठा देता नहीं पके। चलिए तो गैस जला देता नहीं, एकरा के मीडियम आँच पे एकरा के करके एकरा के दाल के बैठा देता नहीं। अब एकरा के 15 से 20 मिनट तक ले बिना छुए छाए दाल के पके दे हम, तब तक आटा लगा लिया। जब तक हमारा दाल होता तब तक ले आटा एकरा के लगा ले दे। एकरा में डाल दे हम थोड़ा सा नमक, हल्का सा नमक ले ले हम। चल तो आटा के अच्छा से नमक के मिक्स कर लिया। आ एगो आटा जिसे रोटी के आटा बनेला, हल्का सा सख्त आटा जिसे पराठा के आटा भी अलग ही सनाला थोड़ा सा टाइट होला, वो तरीका से हम आटा के अच्छा से एगो डो बना लेता नहीं। चल तो हम आटा लगा ले लेते नहीं आराम से। अब एकरा के 10 मिनट खातिर ढक के रख दे हम। अब चलिए फोड़न बनाए के पारी। चल तो फोड़न में हम ले बनी लहसुन, सूखा हुआ लहसुन के कली है, रोवा चाहिए तो हरा लहसुन भी ले सकता नहीं। हरी मिर्च अपना स्वाद के अनुसार ले ले हम, चाहे तो रोवा सूखा मिर्ची भी ले सकता नहीं। अब हरा प्याज भी वाह, रोवा चाहते हैं हरा प्याज के पत्ती भी डाल सकता नहीं। फिर जीरा ले ली आधा चम्मच, उसके बाद तेजपत्ता, ये सब हमने के फोड़न में डलाई। तो चलिए अब दाल के देख लिया कैसन रही बा। चलिए तो दाल के देख लिया, दाल देखी हमने के हो गई बा। देखिए इस तरीके से दाल हो गई बा। अब दाल के थोड़ा से रगड़ दिया इस तरीके से। जब तसली उखली में बने डेक्ची उक्ची में डालो तो दाल के लास्ट में जब बन जाए पूरा बन जाए, भी नहीं कि बीच में रगड़ दी ना, पूरा बन जाए तो दाल के थोड़ा सा रगड़ दिया ला कि अच्छा से चिकना हो जाए। चल तो दाल हमने के अच्छा से हो गई। अब एकरा में डाल दिया गर्म पानी, कभी भी डाली तो एकरा में गर्म पानी दिया कि दलपिट्ठी भर पके भर हम गर्म पानी में डाल दें हम, ताकि हमारा दलपिट्ठी जो रही अच्छा से पक जाए। अब एकरा में हमने के ज़्यादा पानी डलने बनी जाए तो उतना अनुसार हम पहले नमक डाल दे ले रहे हैं, लेकिन जितना हम पानी डाल लें उतना नमक डाल के अब एकरा के खौले दें हम। अब एकरा के ढक दिया आराम से खौले दिया। अब चलिए दलपिट्ठी के तैयारी कर लिया। चलिए तो हमारा 10 से 20 मिनट हो गए। अब आटा के थोड़ा सा मार लिया, कभी भी रोटी भी बनाए के पहले अच्छा कोई चीज़ बनाए के पहले आटा के हाथ से मार लिया इस तरीका से। तो बनाओ तो नहीं इस तरीका से चकला पर बनाए भर काट ले हम। अब हम बनाए स्लेब पर, स्लेब पर बनाए के पहले हम स्लेब के अच्छा से पोछ ले हम एकरा के। जब वह स्लेब पर बनाए और चकला पर बनाए तो अलग बात बा। बेलम एकरा के हम स्लेब पे ही बेलम, ताकि ज़्यादा पूरी छोटा छोटा निकली, ये चलते हम स्लेब पे ही बेलम एकरा के। अगर चकला बड़ा साइज में हो तो वह बड़ा साइज में भी बेल सकता नहीं, चकला पे ही तो हमारा पास नहीं है तो हम स्लेब पे ही बेल दें हम।
जितना बड़ा साइज पत्ती, थोड़ा सा पतला ना मोटा, रोटी के जैसा पत्ती होके के चाहिए, जैसे रोटी के रहेला नॉर्मल रोटी जो घर में बनावल जाला वो सामान से हम पतला बेलम। देखिए तो पत्ती के हम दिखा देते हैं किस किस तरीके से काट के निकाले हम। इस तरीके से पत्ती होके के चाहिए हमने के। देखिए तो ये सब काट लेनी। अब पत्ती कितना मोटा होके के चाहिए देखिए, इस तरीके से पत्ती होके के चाहिए, इस तरीके से, ज़्यादा पतला ना होके के चाहिए, इस तरीके से होके के चाहिए। अब देखिए हम किसे बनाए मेरा के दल पिट्ठी। अब एक रख के उठा लेनी। अब एक रख के इस तरीका से फोल्ड करा, इस तरीका से देखिए, इस तरीका से फोल्ड करे के बाद अब एक रख के खड़ा है ऐसे नहीं रखे रखे के चिपट के, एक रख के पलट के इस तरीका से रखे के बाद ये तरीका से। अब कभी भी बनाए तो पलट के रखा कहीं तो चिपटा ना ही रस घुस जाए कर, इस तरीका से बना ले हम। चलिए तो हम ऐसे ही सब तल पिट्ठी के तैयार कर लेता नहीं, इसी तरीका से बना बना के तीन फाँक वाला ये तरीके बनाते नहीं कि इसमें रस जो हो खेला एक में जाए, इसमें से निकली, इसमें निकली, बीच वाला खाली रही, इस तरीके से केकरा में रस आराम से घुस जाला। अब रोज चाहिए केकरा के चार वाला में करे तो चार वाला में का हो खेला कि रस जल्दी घुस ना पावे, इस तरीका से भी बनावा जाला। तो एक में छोटा छोटा मुँह हो जाला तो इस तरीका से रस कभी आटा में जाए तो चिपक जाला जल्दी, तो ये तरीका से हम जल्दी ना बनाए ना तो इस तरीका से भी बहुत आसानी से बन जाला। चलिए तो एक तरीके से बना के सब रख ले। चलिए तो देखिए दल पिट्ठी हमने के बन के तैयार हो गई। अब एक रख के एक एक करके डालेंगे, मतलब पहले हम एक रख के बना ले रहे हैं तो एक रख के डाल दिया है, पहले डाल के देख लिया। चलिए डाल के देखिए, देखिए डाल कर हमके आराम से ही हो गया। अब एक में क्या करें कि दल पिट्ठी डाल दिए, धीरे धीरे करके चारों तरफ दल पिट्ठी घुमा घुमा के डाल दिए। जब तक ले दल पिट्ठी एक थाली के ऊपर ना दे खोल के तब तक ले दूसरा वाला ना डालाई, एक पर एक डाल के चलावल ना जला, ऐसे का होगी कि दल पिट्ठी पूरा ये टूट जाए। देख रहे देख लिया एक बार खोल डाल देता नहीं, और खोल के ऊपर जब आ जाए तो दूसरा दल पिट्ठी हम डाल। अब एक रखे ढक दिया आराम से, जब ये खोल जाए तो दूसरा वाला डालाई। चलिए तो दो से तीन मिनट हो गए थे, दल पिट्ठी हमने के ऊपर आ गई बाई, ऊपर आ गई बात एक रखे थोड़ा सा इसे इस तरीके से चला ले हम। अब दूसरा थाली जो बने ले रहे हैं हाँ तो वैसे डाल दें, और वो जान से एक थाली बने ले बन तो कोई बात ही नहीं है, वो एक ही बार में हुआ सब डाल दें हम, इससे कहो कि चिपकबो ना करेला। और दाल में कभी भी तेल डाल के ही पकाएं ताकि जो दल पिट्ठी हुई ना एक दूसरे से चिपकी ना। चलिए अभी हमारे फाइनल हो गई बात, अब एकरा के थोड़ा सा हल्का हाथ से दबा के एकरा के पानी में कर दें दाल में। अब एकरा के 10 मिनट तक ले आराम से पके लिया। चलते देखो हमने कैसे पका लेने वाली दल पिट्ठी के, इस तरीके से चलाते हुए 15 से 20 मिनट तक ले, जिसे पिट्ठा पकेला उठ चलावल ना जला, एकरा के हल्का सा ऐसे ही हिलाते हुए पका ले बानी। अब जब दल पिट्ठी पक जाए तो ये अपने आप अच्छा कलर आ जाला और जैसे मुलायम हो जाला ऊपर के, एकदम मुलायम हो जाए और एकदम कलर चेंज हो जाए आटा के, तो समझिए दल पिट्ठी और अच्छा से पक गई बा। अब एक रह गई तड़का देवल, तो हम गैस के बंद करें के लिए चलें तड़का देवे। चल तड़का देवे खातिर एगो कलछी बिठा दे बनी, तेल के पूरा गर्म होके दे हम। तेल गरम हो गया, अब डालेंगे में जीरा और तेजपत्ता, एक रखे कड़के दे हम जीरा के। चल तो जीरा कड़क गिल बा, अब इनमें डाल दें हम लहसुन पटल फिर हरी मिर्च थोड़ा सा, एक रखे फिर डाल दें एक में सब चीज़ के हल्का सा लाल हो फिर हम ज़्यादा जलावे के लिए हल्का सलाल कर दीजिएगा। देखिए तो तड़का हल्का सा लाल हो गया। अब एक क्या करें गैस के बंद कर दे हम
आलू के चारों तरफ तड़का फिर दे देंगे। अब तड़का के चारों तरफ दस मिनट में फैलाते हुए डाल देते हैं। गर्मा गर्म दलपीठी दाल तैयार हो गई। अभी क्या तड़का के थोड़ा सा चला रहे हैं कि तड़का के खुशबू चारों तरफ फैल जाए और एक तरह के 2 से 3 मिनट ढक लीजिए। चलिए तो 2 से 3 मिनट हो गई, अब ढक्कन के खुले जाए। देखिए खुशबू कितना अच्छा है इस बार। अब चलिए एक प्लेट में हम निकाल के रो के दिखाओ तानी और खाए भी जाता नहीं। तो चलिए हमारा रेसिपी रोवर दाल में के दुल्हन कैसा लगा जरूर बताएंगे कमेंट करके। और फिर आएंगे एक नया रेसिपी के साथ, एक मज़ेदार रेसिपी के साथ, जरूर बना के देखेंगे और कमेंट करके जरूर बताएंगे। उम्मीद करा था नहीं हमारा रेसिपी रोवल के दलपिठी के अच्छा लगा तो होगी। तो दलपिठी हमारे रेडी हो गई, अब चम्मच डाली आराम से खाएं। फिर मिलम एक नया रेसिपी के साथ, एक मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के सब कोई खाती हमारा रेसिपी देखे खाती सब कोई के